हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बीएससी करने में हर इंडिया क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण शिक्षण विषयों के बारे में अध्ययन कर रहे थे इकाई तीन में, तो शिक्षण विषयों के मामले में हमने अध्ययन कर चुके हैं। आज हम संस्कृत शिक्षण उपागम के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि उपागम में क्या क्या निर्णय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले उपागम कौन कौन से, एक तो मौखिक उपागम, एक सग्रंथन उपागम, एक संप्रेक्षण उपागम। कौन कौन से उपागम? मौखिक, एक है आपके संप्रेक्षण और एक है सग्रंथन। अब सग्रंथन उपागम में इसमें शिक्षण विधि में क्या होता है कि जैसे एक वाक्य को मतलब एक आदर्श वाक्य मान लेते हैं, कोई भी एक आदर्श वाक्य माना जाता है, उस आदर्श वाक्य के हिसाब से ही मतलब एक ही शिक्षण कराएगा, बच्चों को शिक्षण कराएगा। यानी ग्रामर की कोई तैयारी करवाई नहीं जाती, यानी संस्कृत ग्रामर व्याकरण की अध्ययन नहीं करवाया जाता। तो आप जैसे जो पॉइंट में लिखे पॉइंट के हिसाब से पढ़ेंगे, सग्रंथन वाक्य आधारित प्रत्यक्ष शिक्षण विधि है। यानी बच्चा देखकर अध्ययन करता है, देखकर उसके मतलब के वाक्यों का निर्माण करता है। इसमें मतलब कि संस्कृत व्याकरण पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। पहले किसी एक आदर्श वाक्य बढ़ा दिया जाता है और उस आदर्श वाक्य से अन्य वाक्य का निर्माण किया जाता है। व्याकरण के नियमों को सिखाए बिना ही उस भाषा का उपयोग सिखाया जाता है। यानी जैसे मैंने बोला कि इदम पुस्तकम, ये पुस्तक है, तो ऐसे कई और वाक्य बनाओ, तो इस पर इदम कमले, इदम क्या बोलते हो, इदम मजा, इदम गजब, ऐसे कुछ कई वाक्य बना सकते हैं। एक वाक्य एक सर्वग्रंथ के रूप में लिया जाता है। यानी एक वाक्य को एक सर्वग्रंथ के रूप में लिया जाता है। एक आदर्श वाक्य को आदर्श मानकर उसके आधार पर क्रिया संज्ञा पदों बदल बदलने का उनके वाक्य की रचना की जाती है। यानी एक आदर्श वाक्य माना जाता है, उस वाक्य को उस वाक्य में मतलब एक अलग अलग क्रिया विभक्ति नकार इस तरह के बदल बदल कर उसके वाक्य का निर्माण किया जाता है। अब इसमें प्रक्रिया क्या होती है? अब यह सग्रंथन उपागम शिक्षण प्रक्रिया, यानी प्रक्रिया किसे मतलब इसमें सग्रंथन उपागम काम कैसे किया जाता है, जिससे सर्वप्रथम कक्षा स्तर के अनुसार एक आदर्श वाक्य छात्रों के समूह प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ कहता हूँ कि आम पुस्तक पठामी, आम पुस्तक पठामी, ये एक आदर्श वाक्य मान लिया। आप बच्चों को आदर्श वाक्य का विश्लेषण किया जाता है कि कर्ता क्रम क्रिया वचन आदि देखा जाता है। यानी इसमें कौन सा कर्ता है, कौन सी क्रिया है, वो उसको देखा जाएगा। आम क्या है कि ये प्रथम पुरुष श्री वचन का मतलब है कि प्रथम पुरुष सॉरी उत्तम पुरुष का एक वचन है, उत्तम पुरुष का एक वचन पुस्तक ये द्वितीय व्यक्ति है और पठानी ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथम पुरुष का सॉरी उत्तम पुरुष का एक वचन। यानी ये उत्तम पुरुष का एक वचन, ये द्वितीय व्यक्ति सॉरी प्रथम व्यक्ति और ये उत्तम पुरुष का एक वचन। यानी जो ये होगा कर्ता, जो कर्ता होगा वही क्रिया होगी, ये कर्म ठीक है, जो कर्ता चलेगा वही के लिए इसकी क्रिया आएगी। क्योंकि संस्कृत में धातु और शत्रु पुरुष ये दोनों एक समान चलते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखा कर्ता कर्म आम और वाक्य बना सकते हैं आम चित्रम पश्यामि, मैं चित्र देखता हूं, अहम
अगले भी